नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पांच की आंच। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम। पांच की आंच में बात होगी इंदौर नगर निगम की बैठक की जो बन गई कॉमेडी शो। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बताएंगे। उधर एक निजी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर और स्टाफ का भी खुलासा हुआ है। ये फर्जी डॉक्टर और स्टाफ ऑपरेशन की तैयारी में थे, बात पांच की आंच में दबंगों की भी करेंगे जिनकी वजह से पूरा परिवार बेघर हो गया। और इसके अलावा बात सन की आशिक की भी करेंगे जिसने रिश्तों को ही तार तार कर दिया, रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। बात मोबाइल से जुड़ी हुई भी होगी जहां मोबाइल की लत ने पिता को कातिल बना दिया। लेकिन सबसे पहले बात इंदौर में नगर निगम की बैठक जो है वो चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इस बैठक की जगह ऐसा लगा जैसे ये कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। दरअसल बैठक के दौरान पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। इस दौरान सदन में जोरदार ठहाके लगने लगे, पूरा सदन हंस-हंस के लोटपोट हो गया जिस तरह से रुबीना खान ने इस मामले को उठाया। उससे पूरा सदन ठहाके लगाने लगा और बिना ठहाके लगाए रह भी नहीं पाया। रिपोर्ट देखिए। निगम की बैठक में कॉमेडी शो। खुद तो पर सदन में लगे ठहाके। सम्मान की बात, आदरणीय श्वान। मुद्दों से दूर कुत्तों पर ठहाके भरपूर। उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सदन में शहर और जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कुत्तों के काटने का मुद्दा आया तो सदन में हंसी ठहाकों का समा बंध गया। दरअसल कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। रुबीना खान ने कहा कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए नसबंदी करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो। लेकिन इस दौरान कुत्ता कहना पार्षद रुबीना खान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसी पार्षद ने कहा कि कुत्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसके बाद रुबीना खान का आदरणीय श्वान कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया। रुबीना खान ने आदरणीय श्वान श्वान जी कहकर कुत्तों को संबोधित किया और इसके बाद महापौर पार्षद सभी लोग हंसने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। सीधे शब्दों में कहें तो सदन की एक बैठक कॉमेडी शो बनकर रह गई। नगर निगम की इस बैठक में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय तो कुत्तों के सम्मान पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि कुत्तों के काटने का मामला शहर में आए दिन हो रहा है, हर दिन लोग परेशान हैं, ऐसे में इस पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। पार्षद रुबीना खान ने कहा कि शहर के बाहर कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं, उसके अंदर जितने भी पशु प्रेमी भी हैं हमारे मुद्रा शास्त्री जैसे लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा दान दें। और अगर कोई नई बन ला सकते हो तो पीपीपी के आधार पे बना दें, और उसमें सब लोग जो रोटी वोटी बचती है, खाना बचता है, वहाँ उन लोगों के लिए दे दें तो वो भी बेचारे अच्छे से रहेंगे, और उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हंसी मजाक हो, लेकिन डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में भी लेना जरूरी है। पिछले कई महीनों से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। उधर खबर मुंगेली से, जहां एक निजी अस्पताल में अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में फर्जी डॉक्टर और स्टाफ ऑपरेशन की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि निजी अस्पताल
बिना डॉक्टर के ही चल रहा था। सीएमएचओ के निर्देश पर अस्पताल को सीज कर दिया गया है, साथ ही फर्जी दस्तावेज यहां से जब्त कर लिए गए हैं। टीम के द्वारा रूटीन चेकअप के लिए अथरिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का दौरा किया गया, तो उसी टाइम पे यह था कि किसी महिला को पूरी तरह से एनेस्थेटाइज कर दिया, उसको मरीज को बेहोशी की दवा इंजेक्शन दिया हुआ था, ऑपरेशन टेबल पे महिला लेटी हुई थी। जब हमारी टीम पहुंची तो वहां पे मात्र एक सिस्टर थी, स्टाफ नर्स तथाकथित स्टाफ नर्स थी, और जैसे टीम को देख के कोई डॉक्टर उसे कौन डॉक्टर ऑपरेशन कौन करे ये बोलने को जवाब नहीं दे पा रही थी। उसी समय कुछ जो भी ऑपरेशन करने वाले थे वो बाहर से आई और वो लौट गई, तो टीम के द्वारा ये देखा गया कि वहाँ पे भारी लापरवाही बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी एनेस्थेटिस्ट के और बिना कोई इमरजेंसी तैयारी के महिला का ऑपरेशन की तैयारी वहाँ पर की जा रही थी, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। तो टीम के द्वारा फिर तुरंत फिर अस्पताल को सील किया गया है। अब आपको दबंगों की दबंगई दिखाते हैं। कैसे दबंगों ने एक परिवार को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया। प्रशासन से मिलकर दबंगों ने पीड़ितों का घर तक गिरवा दिया, उसके बाद पूरा परिवार बेघर हो गया और परिवार सर्दी में ही आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ये पूरा मामला क्या है और कैसे दबंगों ने अपनी दबंगई से पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया, इस रिपोर्ट में जानिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है, क्यों लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, क्या वजह है? अगर आप भी इनकी दास्तां सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, गांव के दबंगों से ये सब देखा नहीं गया और घर को गिरवा दिया गया। आखिर ये सब हुआ कैसे, क्यों घर को गिराया गया, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये मामला खंडवा जिले के भावसिंहपुरा गांव का है, जहां सिस्टम की कार्य प्रणाली का खामियाजा एक मजदूर को अपने परिवार सहित भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया ने सरपंच को घर आने से मना कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों से सांठगांठ कर मजदूर का घर तोड़कर बेघर कर दिया। मजा आता था, बहन बेटी पे गलत नजर डालता था सर, जूते पहन के अपने घर में आ जाता था सर, एक दो बार अपन ने मना करे सर, अपन गरीब इंसान है, गाय भैंस उनका ये धंधा करते सर, वो काम करते हैं सर, हमने उसके कारण डर के मारे कोई शिकायत नहीं करी, उनने बोल दिया था कि बोले तुम्हारा घर हम हटा देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि 50 साल से रह रहे हैं, पिछले दिनों पटवारी और तहसीलदार आए, कलेक्टर का आदेश बताकर राजस्व विभाग ने मकान तोड़ दिया, अब परिवार के 35 लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हम यहाँ पे आज 50 साल से रह रहे, पीछे हमारे पापा जी थे, जब से हमारा तो जन्म भी यहीं हुआ है, उसके बाद में सर हमको रहते हैं यहाँ पे, हमारे आपको 5,35,000 रुपये का शासन द्वारा प्रावधान दिया गया था जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे रहते थे। उसके अलावा सर हमारे पास 100-95 मवेशी है, गायें हैं हमारे पास जो हम पालन करते हैं, और सर इसके अलावा हमने पेड़ पौधे लगाते हैं और हमारे यहाँ पे भरण पोषण करते हैं सर, इसके अलावा हमारे पास कोई, अब आज हमारा आशियाना टूट गया है। विधायक कंचन तनवे तक मामला पहुंचा, तो विधायक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची। विधायक से मिलकर पीड़ित परिवार की महिलाएं फफक फफक कर रो पड़ी। विधायक ने भी महिलाओं को गले लगाकर ढांढस बांधा और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मेरे स्तर पे कार्रवाई करूंगी और हम कलेक्टर सर से भी बात करेंगे, इनको मेरे यहाँ गरीबों को इनको यही बोला कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और तुम्हारा जो हक अधिकार जिसने छीना है उसके प्रति कार्रवाई करेंगे और उसको जो भी सजा दिलवानी रहेगी मैं आप लोगों के साथ में खड़ी हूँ, और आप लोगों के साथ में अन्याय किया तो न्याय दिलवा के रहूंगी। फिलहाल सर्दी का सितम है और पूरा परिवार आसमान की छत के नीचे रह रहा है। सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था उसका अन्यत्र कहीं भी मकान बना हुआ है, और उसने बाड़े के रूप में मतलब पशुओं को, लगभग उस पर 80-90 पशु है, उनको रखने के लिए बनाया गया था। ये दबंगई वो दास्ता है जो आए दिन देखने को मिलती है, क्यों पुलिस और प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई करने में पीछे हट रहा है। खंडवा से अमित जायसवाल, न्यूज 18।